जब बात सलमान खान की होती है तब ऐश्वर्या राय का जिक्र अपने आप ही सामने चला आता है। दोनों की प्रेम कहानी, उसके बाद मारपीट वाली कहानी, उसके बाद जेल जाने वाली कहानी, ये सब कुछ सामने चली आती है। देखिए, सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों के प्यार के चर्चे आज भी मीडिया में चलते रहते हैं जब भी इन दोनों का मामला सामने आता है या दोनों की कोई फिल्म आती है। फिलहाल ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की पत्नी है और सलमान खान ने अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को जब कोई सवाल नहीं मिलता है तब वो सलमान खान से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि भाई शादी कब करोगे, और भाई ऐसा जवाब देते हैं कि मीडिया वालों का चेहरा ही उतर जाता। भाई अब बुढ़ापे में शादी करके सलमान खान क्या करेंगे, इस उम्र में तो नाती पोतों के साथ खेलने का समय होता है, और तुम मीडिया वाले सलमान खान की शादी की बातें कर रहे हो। अब मान लो कि सलमान खान कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, एक साधारण सा इंसान है, साधारण सा किसान है जो एक गांव में रहता है, ये वाला किसान नहीं, ये वाला किसान। तो इस उम्र में अगर सलमान खान गाँव देहात में रह रहे होते तो 55 की उम्र में हो सकता है कि खेतों में बकरियां और गाय भैंसे चराने का काम कर रहे होते, या फिर खटिया पर लेटकर आराम से हुक्का पीने का मजा ले रहे हो, और रात होते ही नाती पोते उनके पास आते और कहते दादाजी वो कहानी तो सुनाओ ना, वो वाली कहानी जिसमें रात के समय आपने किसी इंसान को 40 कॉल किए थे और वो इंसान डर गया, उसके बाद उसका करियर समाप्त हो, या फिर वो वाली कहानी जिसे आपने अपनी शादी में बुलाया था गाना गाने के लिए लेकिन अचानक से उसके साथ आपका कोई पंगा होता है, झगड़ा होता है, आप उसे गाना गाने के लिए मना कर देते हैं, फिर पाकिस्तान से गाना गाने वाले को बुलाते हैं और वो आपकी शादी में चार चांद लगा देता है। तो खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अब आते हैं असली वाले मुद्दे पर। करीब 19 साल पहले सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने हम दिल दे चुके हैं सनम में काम किया था। इस फिल्म के बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है जो 3 साल तक चलती है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आती है और सलमान खान के ऊपर बड़ा बड़ा इल्जाम लगाती हैं और ब्रेकअप की बातें करती हैं। ऐश्वर्या राय सलमान पर इल्जाम लगाती हैं कि सलमान खान उनके साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे कोई शराबी शराब पीकर आया हो और उसके बाद जो हुड़दंग मचाता है वो काम सलमान खान करते हैं। सलमान खान उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और अपने आत्मसम्मान को देखते हुए मैंने सलमान खान से दूरी बना ली है। जब ये बात सलमान खान को पता चलती है तो सलमान खान भी मीडिया में आते हैं। जब मीडिया उनसे प्रश्न पूछता है इन चीजों को लेकर तो सलमान खान कहते हैं कि मैंने ऐश्वर्या राय के साथ कभी भी मारपीट नहीं की, मैं उसे बहुत ही इज्जत देता था, मैं तो मारपीट किसी के साथ कर ही नहीं सकता, मैंने सिर्फ एक बार सुभाष घई को मारा था चाटा और उसके दूसरे दिन जाकर सुभाष घई से माफी भी मांग ली थी, मैं तो इतना इमोशनल इंसान हूं कि जब मैं बहुत ज्यादा इमोशन में होता हूं तब उस वक्त कोई भी मुझे मारकर चला जा सकता है, मैं गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचाता हूं, दीवारों के ऊपर सर पटकने का काम करता। अब इस पर सुहेल खान ने कहा था कि अब वो सबके सामने ये बातें कर रही है, यानी कि ऐश्वर्या राय सबके सामने ये बातें कर रही है, जब वो सलमान के साथ घूमती फिरती थी, जब वो हमारे घर पर आती थी, तब क्या ऐश्वर्या ने उस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं किया था। सुहेल का कहना है कि ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को असुरक्षित कर दिया था। सलमान खान ये जानना चाहते थे कि ऐश्वर्या उन्हें कितना चाहती है, वो सलमान को लेकर उलझी हुई थी। सुहेल ने ये भी बताया कि वो विवेक ओबेरॉय को भी डेटिंग कर रही थी और साथ में सलमान खान को भी डेट करने का काम कर रही थी, और इस बात से विवेक ओबेरॉय भी नाराज था कि ऐश्वर्या सलमान खान से बातें क्यों करती है। तो ये सारी बातें हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि सुहेल खान ने ऐश्वर्या राय के ऊपर एक तरह से हमला करने का काम किया है, ऐश्वर्या को ही ये बताने का काम किया है कि ऐश्वर्या राय के चलते सलमान खान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सलमान ने उसके बाद कभी प्यार नहीं किया और शादी भी नहीं की, अब उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, यानी सब कुछ इल्जाम ऐश्वर्या राय के ऊपर डाल दिया है।